नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। बुंदेलों की नगरी झांसी का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रखने एवं झांसी का ऐतिहासिक नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस तथा बसपा ने अलग अलग जगहों पर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और झांसी वाली रानी न सही रानी वाली झांसी तो है। ये जो पंक्तियां हैं इन्हें जीवंतता देनी है, इन्हें अमरता देनी है, इसलिए वीरांगना लक्ष्मीबाई जो स्टेशन का नाम किया गया है सर्वधर्म सद्भाव समिति, इसका पुरजोर विरोध करते हुए ये मांग कर रही है कि लक्ष्मीबाई के साथ या रानी के साथ झांसी अवश्य जुड़ा रहे। झांसी जोड़ने से रानी को भी अमरता मिलेगी, हम सबको भी जीवंतता मिलेगी। जी दीदी, आज हम लोगों ने एक विशेष मुहिम के साथ झांसी के सभी धर्मगुरु सर्वधर्म सद्भावना समिति के माध्यम से राजीव राय, प्रवीण जैन और हमारे बीच बिशप स्वामी सर, जो बुंदेलखंड के ऐतिहासिक रूप है, समन्वित होकर DRM झांसी को, रेल मंत्रालय श्री अश्विनी वैष्णव जी को, रेल मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जब से ये घोषणा हुई है झांसी स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई, तब से हर झांसी जनवासी पीड़ित है, दुखी है। उसकी वेदना यही है कि 1621 और फिर 1880 में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन के आई, क्योंकि झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ, और जब वो राजा से विवाहित हुई तब वो रानी झांसी कहलाई। तो झांसी को रानी से और रानी को झांसी से अलग कैसे किया जा सकता है? विवाह के उपरांत ही मणिकर्णिका मनुबाई छबीली, विवाह के उपरांत उनका नाम लक्ष्मी रखा गया, और लक्ष्मीबाई अगर अकेला नाम है तो निश्चित ही वो भी अपूर्ण है, इतिहास अपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, झांसी और रानी। इसलिए हमारी हर आपके माध्यम से सहारा चैनल मीडिया, पूरे मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि माननीय रेल मंत्री जी, मैं DRUCC की मेंबर होने के नाते भी अनुरोध कर रही हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र जनवासियों के हित में ये नाम झांसी रानी लक्ष्मीबाई या रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होना चाहिए। लेख झांसी का हर शिलालेख देता है नई रवानी को, झांसी का हर शिलालेख देता है नई रवानी को, देश खातिर आहुति दी अपनी बड़ी जवानी को। झांसी का हर शिलालेख देता है नई रवानी को, देश खातिर आहुति दी अपनी बड़ी जवानी को, चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह की ये समर कहानी को भूल याद रखें, भूल न जाएं झांसी वाली रानी को। शहर कांग्रेस कमेटी झांसी ने स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने बुंदेली नगरी झांसी को विश्व पटल पर अंकित करने के लिए अंग्रेजों को लोहे के चने चब्बा दिए थे, और अंग्रेजों से कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज वर्तमान सरकार भूल गई है कि रानी लक्ष्मीबाई ने इस नाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यदि वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम के साथ झांसी नहीं जोड़ा गया तो झांसी के प्रतिनिधि सांसद अनुराग शर्मा के बंगले पर सर्वधर्म के लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, हम सबके दिलों में बसा ऐतिहासिक नाम झांसी है। झांसी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर व्यापार संगठन के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शित किया तथा झांसी का नाम जोड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान तथा पत्रों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। इस अवसर पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ, नावेद खान, धर्माचार्य लल्लन महाराज, मुस्लिम धर्म के प्रतिनिधि अताउल्ला खान, अफजाल खान समेत अनेक प्रतिष्ठित व कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव दीपमाला सिंह कुशवाहा ने किला गेट पर जिला प्रशासन के सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ एवं DRM झांसी को संबोधित कर झांसी का नाम मिटाए जाने पर
विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम रखकर यह सरकार अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलकर हमसे हमारा स्वर्णिम इतिहास छीनने की कोशिश कर रही है, जिसे बुंदेलखंड की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सरकार को आम जनता की कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि तमाम विरोध के बाद भी यह सरकार थोथी दलीलों के माध्यम से जनता को बहलाने और फुसलाने में लगी है। लिहाजा यह विरोध प्रदर्शन अवचेतन सरकार को जगाने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर सरकार की दमनकारी नीतियों में बदलाव नहीं आया तो यह आंदोलन पूरे बुंदेलखंड में फैलाया जाएगा। इस अवसर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। चल रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही दुखद है कि झांसी के स्टेशन का नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई करके ये जो वर्तमान सरकार है केवल नाम बदलने का काम कर रही है। इसके पास विकास का तो कोई काम है नहीं। विकास का तो इसने कुछ समय पहले शुरुआत में सरकार बनने के पहले ही अनकाउंटर कर दिया था। झांसी बिना रानी के कुछ नहीं है और रानी बिना झांसी के कुछ नहीं है। पूरे विश्व में झांसी रानी को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। आज झांसी को रानी से अलग कर दिया गया है। ये सुनियोजित साजिश है हम झांसी वालों के साथ, बुंदेलखंड वालों के साथ। हम लोग इस साजिश को नाकाम करने के लिए पूर्ण जोर कोशिश करेंगे और करके रहेंगे। हमारी झांसी का जो स्टेशन का नाम बदला गया है, अगर हम लोग इसको बदलने में फिर से वापस करने में अगर नाकाम रहे तो बहुत जल्दी झांसी का अस्तित्व तो मिट जाएगा। इसलिए हम सब झांसीवासी और समाजवादी आंदोलन के लोसाथी सब लोग इस बात के लिए लामबंद हैं कि इस नाम को वापस करने का काम किसी भी कीमत पे करेंगे। लेकिन वीरांगना झलकारी बाई भी तो झांसी की रानी का नाम है। रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है कहाँ की है आप बताइए, तो क्या बोलेंगे आप? झांसी की रानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की रानी, नाम तो सेम ही है ना? नहीं, नाम नहीं सेम है। झांसी को रानी से अलग करना ही यही बहुत बड़ा षड्यंत्र है। झांसी को हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से झांसी को जोड़ा जाए, झांसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई कर दिया जाए, झांसी को झांसी कर दिया जाए, क्या दिक्कत? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।